अखिलेश के कट्टर समर्थक ने, चुनाव है उसमें वापसी हो जाएगी। अयोध्या में ठोका योगी की जीत का दावा, तो योगी चुनाव जिताने में सक्षम है, योगी का की लोकप्रियता नहीं कम है। अवधेश प्रसाद के छूटे पसीने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों में भले ही बीजेपी के हाथ से फैजाबाद सीट निकल गई, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के जरिए एक बार फिर बीजेपी को अपनी नाक और साख दोनों बचाने का मौका मिला है। तो वहीं अयोध्या वासियों पर जो गद्दारी का ठप्पा लगा था उसे साफ करने का भी। एक तरफ बीजेपी को जिताने के लिए योगी खुद मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश के बेटे को चुनाव लड़वाकर समाजवादी पार्टी फिर से पीडीए वाला दांव चल रही है। वही दांव जिसे चलकर अखिलेश पूरे यूपी में अकेले 37 सीटें लाने में कामयाब हुए थे। मिल्कीपुर समेत यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में जब NMF न्यूज की टीम लोगों की राय जानने के लिए अयोध्या पहुंची, तो एक शख्स ऐसा टकराया जो वैसे तो कट्टर सपाई थे, लेकिन बीजेपी की जीत का दम भरते हुए नजर आए। हालांकि मिश्रा जी ने पहले अयोध्या का पूरा इतिहास बताया, और जो लोग अयोध्या वासियों को उल्टा सीधा कह रहे हैं उनको खरी खोटी सुनाई, और फिर बीजेपी ने कहां गलती की वो भी समझाया। जिसको पता नहीं अयोध्या के बारे में, अयोध्या के नगरवासी के बारे में, वो कोई भी कुछ कह सकता है। जैसे यहाँ से बार बार भाजपा जीतती आई अयोध्या विधानसभा, अयोध्या लोकसभा, अभी चंद महीने पहले जो है, साल डेढ़ साल या दो साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ अयोध्या विधानसभा का, बम्पर रोड से जीता यहाँ का विधायक, आज भी विधायक भाजपा का है। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी का चयन सही न होने के कारण यही प्रत्याशी इसके दो लोकसभा चुनाव में यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और वही प्रत्याशी तीसरी बार हार रहा है, जबकि राम मंदिर पे फतह मिलने के बाद। बिल्कुल, तो जब यहाँ चयन गलत होगा, ऊपर के शीर्ष के लोग चयन गलत करेंगे, पब्लिक जिसको कह रही कि इसको न टिकट दिया जाए, ये पब्लिक का जो है दुरुपयोग कर रहा है, और वहाँ के नेता, हमारे शीर्ष के नेता जो है भाजपा के, वो इनको खड़ा कर रहे हैं, वो पब्लिक के ऊपर थोप रहे हैं। पब्लिक कब तक बर्दाश्त करी, एक न एक दिन वो सजा देगी, और उसने सजा दिया, कोई गद्दारी नहीं किया है जनता ने। उपचुनाव में क्या लग रहा है कि अगर किसी अच्छे नेता को बीजेपी ने टिकट दिया वो यहां तो के चुनाव जीतता, और अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया तो बीजेपी यहाँ कभी चुनाव, ये भाजपा का गढ़ है। अरे आज तो भाजपा में बहुत नेता आए गए, यहाँ केवल 5 नेता इस जिले में थे, इस विधानसभा में, जिन्होंने भाजपा को अपने खून से सिंचित करके भीख मांग कर खड़ा किया, आज इस कैटेगरी पे पहुँचाया है। वो इस समय इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनको मैंने अपने नज़दीक अपनी आँख से देखा है, उनके गोद में खेला है, तो मैं जानता हूँ। मैं भी भाजपा में ही पैदा हुआ, भाजपा में ही बड़ा हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से भाजपा को त्याग दिया हमने। जब बात आई कट टू कट मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में हार जीत की, तो मिश्रा जी ने साफ कह दिया कि योगी इतने सक्षम हैं कि वो ये सीट जिता ले जाएंगे। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में वापसी हो पाएगी बीजेपी की वहाँ पर? वहाँ तो विधानसभा का चुनाव है बेटा, चुनाव में वही, हाँ चुनाव है उसमें वापसी हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि देखिए, योगी का अगर प्रतिनिधित्व रहा, योगी का चला, तो योगी चुनाव जिताने में सक्षम है, योगी का की लोकप्रियता नहीं कम है, कम तो कैंडिडेट की लोकप्रियता होती। सपाई नेता ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि कुछ फैसले अगर योगी पर छोड़ दिए जाएं तो मिल्कीपुर में सीट पक्की हो सकती है, जीत पक्की हो सकती है। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या बीजेपी अपनी साख और नाक बचा पाएगी, या फिर अवधेश के बेटे पर जो दाव लगाने की बातें चल रही है वो अखिलेश के लिए फायदेमंद साबित होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।